हेलो एवरीवन, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन स्पेशलाइज्ड क्लाउड मेकिंग। ओके, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 8.8 रिसोर्स क्लस्टर। इन लास्ट सेशन में हमने देखे थे नंबर्स ऑफ मैकेनिज्म लाइक कि ऑटोमेटिक स्केलिंग लिसनर, लोड बैलेंसर, एसएलएम मॉनिटर, पेपर यूज मॉनिटर, ऑडिट मॉनिटर, पेलोड सिस्टम एंड हाइपरवाइजर। ओके, देन नेक्स्ट दैट इज एन रिसोर्स क्लस्टर। ओके, सो रिसोर्स क्लस्टर क्या है ये हम इस मॉडल में आज के सेशन में देखने वाले। तो रिसोर्स क्लस्टर मींस व्हाट? बेसिकली हम इस जो कीवर्ड है दोनों को सेपरेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स, ओके, इन द सेंस आईटी रिसोर्सेज, इन द सेंस जो नंबर्स ऑफ स्टोरेज मेमोरी हम असाइन करने वाले हैं स्पेसिफिक डिवाइस को, इज नथिंग बट अ रिसोर्स। के कितना स्टोरेज हम कैरी करने वाले, कितनी मेमोरी असाइन करने वाले, जो भी फिजिकल या वर्चुअल रिसोर्सेस होंगे सभी हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे एज अ रिसोर्स। ओके, एंड नेक्स्ट कीवर्ड दैट इज नथिंग बट अ क्लस्टर्स। क्लस्टर्स मींस अ ग्रुपिंग ऑफ एन नंबर्स ऑफ मेमोरीज, नंबर्स ऑफ स्टोरेज, नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, दैट इज नथिंग बट अ क्लस्टर। नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते, द रिसोर्स क्लस्टर इज मैकेनिज्म इज ग्रुप ऑफ मल्टीपल आईटी रिसोर्सेस इंस्टेंस सो दैट दे कैन बी क्रिएटेड, दे कैन बी ऑपरेट एज अ सिंगल आईटी रिसोर्सेज। जैसे लाइक नंबर्स ऑफ मेमोरी हमारे पास है, नंबर्स ऑफ डिफरेंस हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है, उसको हम क्या कहेंगे एज इट इज एक सिंगल डिवाइस की तरह यूज करने वाले है। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? It increase the combination of computational capacity, load balancing, availability and clusters of an IT resources. Resource clusters architecture rely on the high speed dedicated network connection or the cluster node between IT resources instead to a communication about a load balancing distribution, task scheduling, डेटा शेयरिंग एंड सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन। ओके, जो रिसोर्स क्लस्टर आर्किटेक्चर है वो कॉमनली कौन कौन सी चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं? फर्स्ट जो हमारा नेटवर्क कनेक्शन है, जैसे कि एक सिंगल राउटर से या सिंगल डिवाइस से हम कितने रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं, बट इफ हमारे पास मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगे तो उतना बड़ा हमारा नेटवर्क होने वाला है। देन जितने भी नंबर्स ऑफ टास्क आपको शेड्यूल करने हैं, डेटा शेयर करना है, या नंबर्स ऑफ सिस्टम्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिए कंसीडर कर सकते हैं कि 1000 सिस्टम्स है, तो जितने नंबर्स ऑफ सिस्टम्स होंगे सभी को सिंक्रोनाइज करके आपका डेटा जो डेटा सेंटर के अंदर स्टोर करना है कि उस पर्पज के लिए आप इस जो क्लस्टर रिसोर्सेज है या रिसोर्स क्लस्टर से ये टेक्निक को यूज कर सकते हैं। क्लस्टर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म दैट इज रनिंग ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मिडलवेयर इन ऑल ऑफ द क्लस्टर्स नोड इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी। दिस प्लेटफॉर्म इज इम्प्लीमेंट एज अ कोऑर्डिनेशन फंक्शन दैट अलाउ डिस्ट्रीब्यूटेड आईटी रिसोर्सेज टू अपीयर एज अ आईटी रिसोर्सेज and also execute the IT resources inside the cluster. Okay, so जो हमारा cluster management है वो क्या कर रहा है कि जो भी numbers of activity हम perform करने वाले, so इसके बीच में जो middleware, okay, in the sense जो user है and server है, इन दोनों के बीच में जो communication का medium होगा उस purpose के लिए as a middleware हम क्या करेंगे हमारा जो cluster management है उसको use करने वाले। So जो कौन कौन से कॉमन रिसोर्सेज इसके अंदर यूज होने वाले तो वो एक बार देखते हैं। तो कॉमन रिसोर्सेज ऑफ क्लस्टर टाइप्स इंक्लूड, तो फर्स्ट दैट इज अ सर्वर क्लस्टर, डेटाबेस क्लस्टर्स एंड लार्ज डेटा सेट क्लस्टर। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लस्टर। तो फर्स्ट सर्वर क्लस्टर के अंदर क्या होगा, तो फिजिकल एंड वर्चुअल सर्वर क्लस्टर्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। जैसे कि जो हमारा हाइपरवाइजर रनिंग ऑन अ डिफरेंट फिजिकल सर्वर कैन बी कॉन्फिगर टू अ शेयर्ड वर्चुअल सर्वर एग्जीक्यूशन ऑफ सेट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ क्लस्टर्स वर्चुअल सर्वर। कि जो भी नंबर्स ऑफ वर्चुअल सर्वर हमें क्रिएट करने हैं, कॉन्फिगर करने हैं, इस सभी पर्पज के लिए हमें जो सर्वर क्लस्टर्स होगा यहाँ पे यूज होने वाले। इन दिस प्रोसेस द वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म या वर्चुअलाइजेशन सिस्टम सस्पेंड
the execution of a given virtual server at the physical servers and resume the another physical server. If आपका कोई भी server, जैसे कि हमने last इसमें देखा था कि if आपका एक server hold पे चल गया, suspend हो गया, then जो another physical server होगा वो execute होने वाला है. In the sense, एक cluster से आप पे हम क्या करेंगे, use करने वाले. The process is transferred to the virtual server operating system and that can be used to increase the scalability by a live migration. And virtual server that running on overload physical server to another physical server that suitable capacity. It is, जो भी है इसके अंदर प्रोसेस होने वाली, जैसे कि मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स होंगे, वर्चुअल सर्वर्स होंगे, सभी की सभी एक्टिविटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होने वाली है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सभी चीजों को क्यों यूज करेंगे, जैसे कि फॉर इंक्रीजिंग एंड परफॉर्मेंस. जैसे कि हम भी हमारे लैपटॉप के अंदर या सिस्टम के अंदर ये सभी चीजें परफॉर्म करते हैं, जैसे कि नंबर्स ऑफ हार्ड डिस्क हम यूज करते हैं, नंबर्स ऑफ रैम यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस. तो सेम वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लस्टर्स इन द सेंस फिजिकल सर्वर्स यहाँ पे लेंगे फॉर इंक्रीजिंग स्केलेबिलिटी ऑफ योर सिस्टम. देन नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं, दैट इज नथिंग बट अ डेटाबेस क्लस्टर. डेटाबेस इन द सेंस सेम डिजाइन टू इम्प्रूव द डेटा अवेलेबिलिटी. दिस अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज क्लस्टर्स हैज अ सिंक्रोनाइजेशन फीचर दैट मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटा बीइंग स्टोर एट द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेज यूज इन क्लस्टर्स एंड द रिडंडेंट कैपेसिटी इज यूजुअली बेस्ड ऑन एक्टिव टू एक्टिव एंड एक्टिव टू पैसिव फेलओवर सिस्टम टू कमिटेड द मेंटेन अ सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन. ओके, डेटाबेस क्लस्टर्स हम क्यों यूज करेंगे, फॉर इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी. जो भी हम डेटा प्रोवाइड करने वाले हैं हमारे यूजर को वो एक्टिवली प्रोवाइड होता रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट इसमें देखेंगे जो रिडंडेंट के दो मैकेनिज्म थे, एक्टिव टू एक्टिव एंड एक्टिव टू पैसिव फेलियर सिस्टम, के ये दो जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म थे दोनों के दोनों हम वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन थर्ड दैट इज अ लार्ज डेटा सेट क्लस्टर. द डेटा पार्टीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड सो दैट द टारगेट डेटा सेट कैन बी इफिशिएंटली पार्टीशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अ डेटा इंटीग्रिटी एंड द कंप्यूटिंग एक्यूरेसी. कि जो हमारा लार्ज डेटा क्लस्टर होगा, डेटा सेट होगा, वो यहाँ पे एक्यूरेटली डेटा पास कर सकता है विद एन डेटा इंटीग्रिटी एंड कंप्यूटिंग एक्यूरेसी. इच क्लस्टर मस्ट प्रोसेस द वर्कलोड विदाउट कम्युनिकेशन विद द अदर नोड एज मच इन द क्लस्टर टाइप. कि जितने भी नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स एंड नोड होंगे सभी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो ये हुआ हमारा रिसोर्स क्लस्टर. इफ आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग रिसोर्स क्लस्टर्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.